दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंजी रसगुल्ले। आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्पंजी हैं। बस इनका कलर पे मत जाइए दोस्तों, ये कलर क्योंकि मैंने इनको खांड में बनाया है इसलिए थोड़ा येलोइश कलर का है। अगर आप इनको चीनी में बनाओगे तो ये बहुत ही वाइट बनेंगे। और ये एकदम स्पंजी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कोई हार्डनेस इनमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इन स्पंजी रसगुल्लों को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर दूध। ये दूध मैंने टोंड लिया है। अगर आपके पास गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप टोंड लीजिए। और इसको अब हम गैस पे गर्म करना रख देते हैं। सबसे पहले हम दूध को उबाल आने देते हैं। जब दूध में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसको फाड़ना शुरू कर देंगे। आप देखिए, दूध में बॉयल आ गया है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, उबाल आने के बाद अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को 20-30 सेकंड ठंडा भी होने देंगे। अब हम लेंगे नींबू का रस। ये मैंने 2 नींबू का रस लिया है और इसमें आप इतनी ही मात्रा में पानी भी मिला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे दूध में धीरे धीरे हम नींबू का रस डालेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं करनी है दोस्तों, आप धीरे धीरे डालिए। इससे क्या होगा, हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा। और अगर हम एक साथ ही सारा जूस डाल देंगे तो हमारा छेना है सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो आप धीरे धीरे डालिए और एकदम छेने को पानी से अलग हो जाने दीजिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी ये अच्छे से नहीं फटा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डालेंगे जिससे कि ये बिल्कुल ही पानी जो है छेने से अलग हो जाए और हमें एक अच्छा हमें अच्छा सॉफ्ट छेना तैयार मिले। अब आप देख सकते हैं छेना हमारा फट गया है, दूध पानी से अलग हो गया है। और अब हम इसको छान लेंगे। मैंने नीचे एक पतीला रखा है ऊपर छलनी, और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है, पतला कपड़ा हमने रखा है। और अब हम इस पर हमारा छेना डाल देंगे। इसको अच्छे से आप डाल के और इसे आप साफ़ पानी से, साफ़ मतलब जो फ्रिज का पानी होता है उससे आप इसको धो लीजिए। इससे क्या होगा, जो हमने नींबू डाला था उसकी खटास सारी निकल जाएगी और हमारा छेना भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको 2 बार तो पक्का दोस्तों धो लीजिए अच्छे से पानी डाल के, ताकि इसकी खटास पूरी निकल जाए और हमें सॉफ्ट छेना तैयार मिले। नहीं तो छेना हार्ड हो जाता है अगर हम पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से पकड़ के चारों तरफ से और निचोड़ लेंगे, इसका जो भी एक्सेस पानी है वो सारा निकाल देंगे। अब हमें इसकी एक पोटली सी बना लेनी है और पूरा पानी निकाल के इसको हाथों से दबा के और हमें इसको सुखा लेना है। लेकिन हमें इतना नहीं सुखाना है कि हम इसको जैसे पनीर बनाते हैं तब बहुत ज़्यादा वेट रख के हार्ड बनाते हैं, हमें इसको हार्ड नहीं करना है, हमें इसको सॉफ्ट ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने आधे घंटे इसको पानी के नल पे रख दिया था लटका के, और अब हमारा बहुत जैसा हमें छेना चाहिए वैसा हमें मिल गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा चर्न करेंगे, बिल्कुल 4 सेकंड, मुश्किल से 4 सेकंड हमें इसको चर्न करना है। ज़्यादा देर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट टाइप बन गया। अब हम इसमें 1 ही चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको फिर से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा छेना अच्छे से तैयार हो गया है जैसा हमें चाहिए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको अब हमें मलने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ कुकर, क्योंकि हम हमारे रसगुल्ले कुकर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी खांड ली है। आप चीनी ले सकते हैं, पिसी हुई चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ खांड यूज कर रही हूँ। जितना हमने 1 कटोरी खांड लिया है उसी कटोरी का हमें 5 गुना पानी लेना है। और हमें ये पानी में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि चाशनी हमारी पतली हो जाएगी, हमें बिल्कुल पतली ही चाशनी चाहिए, सिर्फ मीठा पानी चाहिए।
और हम इसमें खूब सारा पानी डाल देंगे। अगर आपको अब भी पानी कम लग रहा है तो आप 2 चार चम्मच चीनी की बढ़ा दीजिए और उसी का 5 गुना पानी और बढ़ा दीजिए। लेकिन पानी हमें खूब चाहिए क्योंकि छेना कितना निकलता है वो सबका अपने अपने दूध के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से आप खूब अच्छे से इसमें पानी डाल के 5 गुना ज़्यादा जितना हमने लिया है और चाशनी तैयार कर लीजिए। अब हम छेने को अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें इसे अच्छे से मसलना है और एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। आप देख सकते हैं ये कितना चिकना डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे हमारी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे, जो छोटा नींबू होता है ना बिल्कुल उसके साइज की। सारी बॉल को हम ऐसे हथेलियों के बीच में रख कर, लेकिन हमें प्रेशर नहीं डालना है, प्रेशर डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इसलिए आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है और ऐसे बॉल तैयार कर लेनी है। इसी तरह हम सारी बॉल हमारी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बॉल तैयार कर ली है और यहाँ हमारी चाशनी में भी उबाल आ गया है। अब हम इस उबाले को कम हमें बिल्कुल नहीं होने देना है, पूरे तेज़ उबाला इसमें हमें चाहिए। तो अब एक एक करके हम इसमें रसगुल्ले डालते जाएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है दोस्तों कि उबाल जो है, ये जो बबल उठ रहे हैं बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए और आपको 1 बाय 1 ही इसमें ये बॉल्स डालनी है। आपको कोई जल्दी नहीं करनी है, अगर आप एक साथ डाल दोगे तो टेम्परेचर पानी का लो हो जाएगा और जिससे हमारे रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे और वो फूलेंगे भी नहीं। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, एक के बाद एक रसगुल्ला ही आप इसमें डालें, चाहे आपको 2 मिनट लग जाए दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए ही आपको रसगुल्ले डालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे रसगुल्लों को, सारी बॉल्स को इसके अंदर डाल दिया है और अच्छा उबाल भी आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर आपको पानी कम लगेगा उसको, उसके लिए हम इसको एक बार बीच में खोल के भी देख लेंगे। अब हम इस पर 1 मिनट उबलने देंगे और उसके बाद लीड लगा देंगे। 1 मिनट ऐसे खुला छोड़ के उबलने देना है, उसके बाद लीड लगा देंगे और सीटी को बिल्कुल हटा देंगे, हमें सीटी को नहीं लगाना है। ऐसे ही हमें 8 मिनट तक पकाना है। सीटी लगा के भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे, मैंने बनाए हैं अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल आप 8 मिनट के लिए इनको उबलने दीजिए। 8 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे फूल कर बिल्कुल अपने साइज से डबल हो गए हैं। लेकिन पानी अब मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्तों, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। ये मैंने उबला हुआ पानी लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल उबला हुआ पानी हमें लेना है और हमें 1-1 चम्मच, जो हमारा चमचा होता है ना उसी चमचे से हिसाब से आप डालिए। मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ लेकिन आप चमचे से ही डालिए ताकि थोड़ा थोड़ा पानी करके हम पानी की मात्रा को अच्छे से बढ़ा दें। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और इसमें कम से कम 5 मिनट हम और पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे रसगुल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे और हमें 15 से 16 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे से स्पंजी हो गए हैं और बिल्कुल इसमें उबाल भी कम नहीं हुआ। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल और उसमें लिया है मैंने चिल्ड वाटर, फ्रिज का ठंडा पानी मैंने लिया है। अब एक एक करके रसगुल्ला हम इसमें डाल देंगे। हमें जो उस चाशनी में से, जिसमें से गर्म चाशनी में से हम निकाल रहे हैं, उसमें से उसका रस निचोड़ के हमें इस ठंडे पानी में डालना है ताकि इनकी सॉफ्टनेस वैसी की वैसी बनी रहे। आप गर्म पानी को ना आने दें और सारे रसगुल्ले इसी तरह इस ठंडे पानी में डाल दें और इसको 2 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए। तब तक जो हमने पानी, जो हमारा कुकर वाला पानी था, उसको भी हम ठंडा कर लेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे, वो ठंडा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे हो गए हैं, रसगुल्ले हमारे सॉफ्ट हैं, ठंडे हो गए हैं और जो हमने पानी लिया था कुकर वाला वो भी एकदम ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये ठंडे पानी में रसगुल्ले डाले थे, इस पानी को हम धीरे धीरे निकाल के, चाहे आप चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं या आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। इस पानी को निकालते हुए हम रसगुल्लों को, जो चाशनी वाला मीठा पानी था, इसमें डालते रहेंगे।
एक रसगुल्ला लीजिए, आप इसको निचोड़ लीजिए, आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने स्पंजी हैं, कितना रस ये इसका छूट रहा है। अब इस आप देखिए पिचक गया है ना, तो अब ये हम जब इस चाशनी में डालेंगे तो अपने आप देखिए ये फूल के ऊपर आ जाएगा और पूरा जो हमारी मीठी चाशनी है उसके पानी को सोख कर लेगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हमने बाकी रसगुल्ले भी इसी तरह तरीके से सारे इस जो हमारा चाशनी मीठा पानी है जो कुकर वाला उसमें डिप करते जाएंगे और पूरे रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये रसगुल्ले कितने स्पंजी हैं। कलर पे मत जाइए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने खांड में बनाए हैं इसलिए थोड़े से थोड़े येलो इस कलर के बने हैं, सॉरी दोस्तों। और अगर आप चीनी में बनाओगे तो ऐसे ही स्पंजी रसगुल्ले बनेंगे, उनका कलर वाइट होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपने आप अपना साइज ले रहा है। तो इसी तरीके से आपके सारे रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखने वाली बात जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर एक दोस्तों, हमें दूध जो लेना है वो फुल क्रीम नहीं लेना है, नहीं तो उसमें घी आ जाता है और जिससे हमें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, उसको जो हमने दूध लिया है उसको आप उबाल के पहले मलाई उतार लीजिए। अब आप देख सकते हो कि मैंने ये रसगुल्ले जो हमारे स्पंजी रसगुल्ले हैं इनको निकाल के मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे हमारे रसगुल्ले बने हैं। इसी तरह आप भी सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने के लिए एक इस बात का भी ध्यान रखें दोस्तों कि जो हम कि आपको जो है पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, जो कुकर में हम चाशनी बनाएंगे उसकी मात्रा आपको अच्छी रखनी है। अब इन रसगुल्लों को मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कितने स्पंजी हमारे रसगुल्ले बने हैं और ये कितने सॉफ्ट भी हैं। तो ऐसे ही रसगुल्ले बनाने के लिए आप इन बातों का पूरा ध्यान रखें कि आप चाशनी को कम ना होने दें, अगर हो जाती है तो उसमें पानी दोबारा से ऐड कर दें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।